ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सियावती रामचंद्र महाराज की जय, और मेरे सतगुरुदेव बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज जो आवर लविंग गॉड, वी थैंक यू सो मच फॉर द लवली डे अहेड टुडे। आपने उठा दिया है प्रभु सबको, वह सब के ऊपर कृपा दृष्टि रखना महाराज, सुखों का वास करना सभी के घरों पे। और ये जो आपने संत श्रद्धा राम सत्संग हमसे शुरू करवाया है प्रभु, कृपा करके तरस करके हम पे, तो ये हमारा चलता रहे। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आज के सत्संग की जो शुभ जो आरंभ है वो हम करेंगे, वीना बब्बर जी को हम गुजारिश करते हैं कि ये हमें सुनाएंगे सुंदर सुंदर भजन। और बाकी जैसे जैसे सबका नाम लगा दिया है कविता ने, तो बाद में इसके बाद गुराटी साहब, फिर वीना मीना पूजा पूजा मीना, और फिर शीला जी, रेखा, सारे शीला शीला जी सारे, ठीक है। लेखा। तो आप लगाइए प्रभु का नाम लेकर, आप शुरू कीजिए वीणा बब्बर जी। थैंक यू। ओम बापू नंदा चर वाले आपकी ही सदा जय। सदाही जय, जय जी जय, बोल बांके बिहारी लाल लाल की जय। की जय। मुरली बजाते मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजाते मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हमारे कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया हाँ किनारा। ढूंढा गली गली में जी खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। मन में यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम्हें बता दो मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बता दो मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। जमुना तू ही बता दे चलिया कहाँ गया है। जमुना तू ही बता दे चलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है कहती है तेरी धारा। तू भी चली गई है कहती वाह बहुत अच्छा, कहती है तेरी है तेरी धारा। धारा,
चली गई, मुरली वाह बजा के मोहना, क्यों मोहन कर लिया करके किनारा। नारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अरे अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, ये इतना सुंदर आपने भजन सुनाया, शुरुआत बड़ी सुंदर हुई, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ये 1 मिनट कविता थोड़ा करना, रिकॉर्डिंग कर। वाह बहुत सुंदर आपने ये वीणा जो गाया, वाह। के मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से आपका है, अपनों से ये है कैसा व्यवहार ये तुम्हारा। अपनों से कैसा है ये व्यवहार ये तुम्हारा। मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन, ढूंढा गली गली में, खोजा नगर नगर में, ढूंढा नगर नगर में, खोजा गली गली में। मन की है ये इच्छा, मन की है ये इच्छा, कि पाऊं दर्श तुम्हारा। मन की है ये इच्छा, पाऊं दर्श तुम्हारा। मोहन क्यों छुप गए हम। पहली लाइन क्या थी, मुरली बजा के मोहना, क्यों मुरली कर लिया, बजा के मोहन है, क्यों छुप क्यों कर गए, लिया कि क्यों कर लिया किनार। कितना सुंदर इसमें एक अंतर आया है कि हे यमुना जी आप बताओ, लेकिन आपसे आप भी चली गई हैं। छलिया कहाँ पे है यमुना, आपकी धारा से, आपकी धारा जो मायूस चल रही है, इससे पता लगता है आपको भी छल के गया है यमुना जी भी उनकी, मतलब आपको पता है यमुना जी के साथ उनका विवाह हुआ है, भगवान का, यमुना मैया के साथ, यमुना रानी के साथ, जो रस रानी यमुना जी है, नदी है, इनके साथ भी इनका मतलब के विवाह हुआ है। जो 16 जा रहे, 100 तो अलग थी, ये 8 पहली रानियों में यमुना जी भी हैं, एक रुक्मणी जी, राधा जी, और ये यमुना जी भी हैं, आपको पता है। तो बहुत सुंदर है, अभी ये भजन बड़ा सुंदर है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम गाएंगे, गुलाटी साहब जी से। गुलाटी साहब गाओ जी, गाओ और सुनाओ जी। गुलाटी साहब मैनहट्टन से, न्यूयॉर्क से रोज जुड़ते हैं, और रोज हमें बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते हैं समय समय पे, और साथ में वाहेगुरु के नाम से जोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी साहब।
हाँ सतनाम सतनाम जी सतनाम जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु जी। तेरा सब सदका वाहे गुरु जी, तेरी सब रचना वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बिन तुद होर जे मंगरा, सिर दुखा के दुख दे नाम सन ठोकिया, उतरे मन की भूख। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी। ए सज्जन स्वामी मोरा, ओ कदे न बोले कोड़ा। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु बोलिए कदे भी ना डोलिए, वाहे गुरु बोलिए कदे भी ना डोलिए। वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना, वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी।
सतनाम 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 भगवते जी श्री श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु गुरु नाम न विसरे 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 सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। संगत जी थैंक यू, सारे ने साथ दिता, होर भी सोना लगा, मेहरबानी। वाहिगुरु एक साडा भी वारी धन्नवाद। गुरु गोबिंद सिंह जी हाँ जी हाँ जमुना के किनारे अपना सत्संग करके ते ओदे बाद उन्हें जमुना पार करनी होंगी सी परले पासे जाने वास्ते, तो उत्ते बड़े मलाहे और बड़े वो बैठे सी सारे रवायत चंगे पुरानियां किश्तियां वड़ियां किश्तियां छोटियां किश्तियां, तो काफी एक होर उत्ते एक नाम आया उदा मुसलमान सी, वो भी बड़ा सेवादार सी, बड़ा मतलब मंदा सी गुरु गोबिंद सिंह जी नू, ते वो भी उम्मीद करता सी कि किसे दिन शायद कर्मा च होया ते मेरी किश्ती च भी पैर पाणगे, ते वो भी बैठा उड़ीकदा सी ते वो ही होया उदे उस दिनों पार होके, ते ज्यों ही उधरों निकल एक होर चीज उन्हां दी कहंदे ने उस एरिए च ना वो थोड़ा एनजीओ शब्द कीर्तन और भजन या कथा करदे हुंदे सी उस एरिए विच, जमुना अज दी डेट विच भी वो कुछ पौंटा साहब है 350 स्क्वेयर फुट तक उन्होंने कहा जमुना नू कि भाई असी थोड़ी इतने गलबात कर रहे हैं ते थोड़ा आवाज घट कर, कहने अज भी वो 350 फुट ते जमुना दी आवाज बिल्कुल नहीं आती और शांत है, अज भी वो पौंटा साहब को 350 फुट का एरिया है या गज का उत्थे बिल्कुल वो शांत चलती है जमुना अज की तारीख विच भी, अज 300 साढ़े 300 साल हो गए ने, ते वो कहते ना वो फिर जिहड़ा मलाहा सी बड़ी उम्मीद नाल बैठ रहा आ जाता सी रोज, पर उस दिन उन्होंने वो दिन मलाहा जिहड़ा वो आ गया ते ओदी किश्ती च उन्होंने कहा संगत नूं कि आओ जी बैठो इहदे च, ते वो कोई 21 बंदे सारे कट्ठे होके वो बैठे सी वो किश्ती च, ते वो पार करके ते जदों उतरे ते उन्होंने उन्हों 5 सोने दियां मोहरां दितियां, ते उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि सारे टका दें दे, 2 टके दें दे, कोई अजे सोने दियां मोहरां नहीं देंदा सी, ते उन्हें हाथ जोड़ के कहा ए तुसी जो मर्जी दियो ना दियो पर तुसी मैनू जदों मैं उत्थे आवां तुहाडे चरणा च आवांगा मैनू तुसी मैं भी जुलाहा मैं पार कराना नदी, तुसी भी मैनू अगे पाओ सागर तो पार करा देना, ते मैनू बस मैं भी तुहानू नदी पार करा रहा, ते असी दोनों प्रोफेशनली इको ही लोग हाँ, तुसी दुनिया तो पाओ सागर तो पार करना है ते मैं नदी पार कराना ते तुसी उदो मेरे ते बख्शिश करना, कहने किन्ने बंदे ने, वो कहने जी 21 बंदे ने, कहते तेरिया जा 21 कुलां जेड़िया ने और सारिया तार दित्तियां, इंज दा आशीर्वाद उन्हों दे के सारे परले पासे उतर गया। बड़ा प्यारा प्रसंग सी, लंबा चौड़ा सी, वाह मैं जिन्ना बहुत भी सुन
शेयर बहुत किया सुंदर। मतलब। हाँ, ये खेवट का भी वाह सेम आया ना, ये राम जी हाँ ना जी जिस हाँ पे जी हाँ राम जी, जी सीता श्री पड़ा करता था रामचंद्र जी जीवन का भी बीता उससे तो उन्होंने पुराना। यही गल हाँ की। जी हाँ जी, थैंक बहुत सुंदर प्रसंग। हाँ जी, यू जी, बड़ी मला युवा मला भाई। जड़ा है ना, मला हाँ पार जी जड़ा कराने। हाँ जी, जी लगाओ जी लगाओ नेक्स्ट कौन। वाह वाह, ये बाप बीना जी एक बेबी जी के दर्शन करा रहे हो इन्हें, हैंडसम बेटे नाल। भाई आपका म्यूट है बीना जी, आपका म्यूट म्यूट होता है। है भैया जी मेरा। बताओ वाह, क्या नाम है? ना मनन, शाबाश मनन। आप मनन, सुनाओगे बोलो पहले जय आपसे बापू सुन दी, लेते हैं। मनन बोलो जय पहले बापू दी। देखो, हाँ जय हाँ बापू जी। मनन को भजन सुनाओगे? ना हाँ दो लाइनें सुना दी। चल शर्म आती है इसको भैया जी, एक दो लाइनें सुना। ना, शर्म फिर की और बड़ी चल चीजें हैं बेटा, इसमें तो बिल्कुल नहीं संकोच करना हमें। गाओ चले जोर से। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम। आगे भी सुनाओ बस। क्या तो दो लाइन शाबाश, सुना। बहुत अच्छे मनन बहुत थैंक अच्छे, यू अगली मनन, बहुत बार बढ़िया। चार लाइना। हाँ जी, तो ठीक है, ठीक ठीक है। पूजा आप सुना लो भाई, पूजा का नंबर है, सुनाओ। पूजा शीला पूजा बहन जी, के इस तो बात शीला जी, बाद जी महाराजा कविता मैं आपको सुनाता हूँ। सदाई जय। जोर वाले आया की पूजते सदाई जय। बन गई बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। बन गई बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। मैं तो हूँ एक माटी की मूरत। मैं तो हूँ एक माटी की मूरत। हाँ माटी की मूरत। हाँ माटी की मूरत। तुम हो जान हमारी बापू जी मैं नहीं। तो बन गई तुम्हारी। तुम हो जान हमारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। छोड़ के सारे रिश्ते नाते। छोड़ के सारे रिश्ते नाते। हाँ रिश्ते नाते। हाँ रिश्ते नाते। आई शरण तुम्हारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। आई शरण तुम्हारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। बन गई बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। मैं गोपी हूँ सतगुरु तेरी। मैं गोपी हूँ सतगुरु तेरी। हाँ सतगुरु तेरी। हाँ सतगुरु तेरी। तुम हो कृष्ण मुरारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। तुम हो कृष्ण मुरारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। बन गई बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। देवों में तुम देव मेरे हो। देवों में तुम देव मेरे हो। हाँ देव मेरे हो। हाँ देव मेरे हो। ओ मेरे त्रिपुरारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। ओ मेरे त्रिपुरारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। बन गई बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। मेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है। मेरा वजूद तो कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है। तेरी सृष्टि सारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी। तेरी सृष्टि सारी बापू जी मैं तो बन गई तुम्हारी।
बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, कलम हाथ में तेरे बापू जी, कलम हाथ में तेरे बापू जी, लिख तकदीर हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, लिख तकदीर हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, चरणों से तेरे लिपट जाऊं मैं, चरणों से तेरे लिपट जाऊं मैं, हाँ लिपट जाऊं मैं, हाँ लिपट जाऊं मैं, चरण धूल बनूं मैं तुम्हारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, चरणों धूल बनूं मैं तुम्हारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, दिल मांगे नित तेरा दर्शन, दिल मांगे नित तेरा दर्शन, हाँ तेरा दर्शन, हाँ तेरा दर्शन, मोहे तस्वीर तुम्हारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, मोहे तस्वीर तुम्हारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, अंग संग बापू जी मेरे रहना, अंग संग बापू जी मेरे रहना, हाँ मेरे रहना, हाँ मेरे रहना, तुम हो पूजा हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, तुम हो पूजा हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, भव जल में बापू जी तेरा सहारा, भव जल में बापू जी तेरा सहारा, हाँ तेरा सहारा, हाँ तेरा सहारा, वहां पकड़ो हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बाहां पकड़ो हमारी बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बापू जी, मैं तो बन गई तुम्हारी, ओम बापू लांबड़े वाले आया की सदा ही जय। बहुत ही सुंदर हाजरी पूजा, बहुत ही सुंदर। तेरी आवाज इतनी सोनी है कि तेन कोई साउंड दी लोड़ ही नहीं। माइक दी लोड़ पूजा पैनी बहुत सुंदर भाई, बड़ा कमाल कर दी पूजा, इन्हें प्यार और इन्हें मिठास नाल गानी है, तो गॉड ब्लेस यू भाई। हाँ जी, नेक्स्ट सुनो बोलो। कविता। ओम बापू नंदा चोर वालिया यार की सदा, ओम शहंशाह झंडे की सदा, मैं नी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मैं लाई धन मेरे सतगुरु जिना नी मैं नाल निभाई, ओ जिना नी मैं नाल निभाई, मैं नी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नी मेरा सतगुरु ऊंचा, उचे अनाल मैं लाई धन धन मेरे सतगुरु जिनानी अनाल निभाई, वो जिना नी अनाल निभाई, जिनानी
मेरे खाया अपने वर कुछ न मेरे पर जे मेरे खाया अपने वर कुछ न मेरे पर जे मेरे खा रहमत तेरी काए भाग सवलड़े काए भाग सवलड़े नैनी मेरा सतगुरु ऊंचा उठिया नालू न लाई धन धन मेरे सतगुरु जिन्ह नाल निभाई ओ जिन्ह निविया नाल निभाई मैं कमली मैनो अकल न कोई रूठा पीर मनाया ना मैं कमली मैनो अकल न कोई रूठा पीर मनाया ना किवें दसा इस देव दयाई का को हंस बनाया जिना कागो हंस बनाया मैनी मेरा सतगुरु ऊंचा मैनी मेरा सतगुरु ऊंचा उठिया नाल मिलाई धन धन मेरे सतगुरु दीना नाल निभाई हो दीना दीना नाल निभाई तू ते सोना चरण है ऊंचा मैं हमी चकोरी तू ते सोना चरण है ऊंचा मैं हमी चकोरी तेरी मेरी दूरी इतनी ध्यान कर कर जीवा मैं ध्यान कर जीवा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा उचिया नाल मिलाई चंदन मेरे सतगुरु दीनानी मेरा नाल निभाई हो दीनानी मेरा नाल निभाई डोल रही थी नैया मेरी उतो रात अंधेरी डोल रही थी नैया मेरी उतो रात अंधेरी समरथ मेरे सतगुरु जिना बां पकड़ लई मेरी जिना बां पकड़ लई मेरी मैनी मेरा सतगुरु ऊंचा मैनी मेरा सतगुरु ऊंचा उचिया नाल मिलाई धन धन मेरे सतगुरु जिनानी मेरा नाल निभाई ओ दिना नाल निभाई ओ दिना नाल निभाई बोल बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा। वाह जी वाह, थैंक यू शीला बहन जी। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर। जिन्नी बारी सुनो भजन उन्नी बारी आनंद आता है। हाँ जी, गाओ जी नेक्स्ट कविता। बापू ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई सदाई जय। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां पल 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 ने ने गुरु गुरु जी जी नाल नाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां पहले कर्ण संभाल मैं क्यों घबरावां। अंग संग रहंदे सदा
सत गुरु आपने। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने। चल जांदे भगतां दे दुख संतापने। चल जांदे भगतां दे दुख संतापने। मिट जांदे सब जंजाल मैं क्यों घबरावां। मिट जांदे सब जंजाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। नेकियां दे राहां उत्ते असानू चलाया है। नेकियां दे राहां उत्ते असानू चलाया है। बदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। बदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। हर दम रखन ख्याल मैं क्यों घबरावां। हर दम रखन ख्याल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। सुख विच दुख विच काम विच खुशी विच। सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच। छड़िया ना कल्ला कदे सानू जिंदगी विच। छड़िया ना कल्ला कदे सानू जिंदगी विच। रहमत कीती हर हाल मैं क्यों घबरावां। रहमत कीती हर हाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। बन के खवैया सदा डूब दे तराए ने। बन के खवैया सदा डूब दे तराए ने। विच विच तूफानों बेड़े साहिला ते लाए ने। तूफानों बेड़े साहिला ते लाए ने। बदलिए बदलिए समय दी चाल मैं क्यों घबरावां। समय दी चाल मैं क्यों घबरावां। पल पल अपने ने गुरु गुरु जी जी नाल मैं मैं क्यों क्यों घबरावां। घबरावां। हर वेले करन संभाल मैं मैं क्यों क्यों घबरावां। घबरावां। ओ ओम बापू बापू नंदा नंदा चोर चोर वालिया वालिया आपकी आपकी सदा। सदा। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। बहुत ही अच्छा सुंदर अच्छा ओम जगदीश जी आपकी। हाँ जी, शहंशाह झंडे की सदा ही जय। थैंक यू पहला जी। आरती होगी फिर उसके बाद गाऊंगे। हाँ जी, हाँ जी को बहुत सुंदर रेखा जी जगदीश जी। हाँ कौन गा रहे हो नेक्स्ट। थैंक यू जी। जोगिंदर हाँ सिंह जी का, जोगिंदर गाओ सिंह जी जी। गाओ गाओ जी गाओ। आपने साउंड लगाया हुआ है। गाओ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
वाह कमाल करती, ये देखो नवाजी तुझे पेश कीती है म्यूजिक दे नाल, जय जगदीश हरे स्वामी जय देवना, बहुत सुंदर। आपकी सदा ही जय, वाह जय बापू जी, जय बापू लवली जी, जय बापू जी। जय मेरे ख्याल जोगिंदर सिंह जी एक और गा रहे ने, जोगिंदर सिंह जी नु गान दे, वो म्यूजिक चल रहा है उन्होंने। बापू हाँ गाओ जी गाओ। बाबू हर भगवान तेरा जसन दिया गाम दी मैं तेरी याद तेरे सेव कानू आसी बाबू हर भगवान मोर सितारे तेरे मोलवी अनमोल सी सी तू मैं मताना तेरा लोकी आगे तेरे बोल सी नूर सी तेरे तेरा बोल भी अनमोल जी उसी तुरे मना देखा लोग आंदे तेरे बोल जी तू प्यारे बचागर पर दर्शन का जवान जी दर किराई चंगता रख हमेशा ध्यान जी रख हमेशा ध्यान जी प्रभु भगवान तेरा जैसा दुनिया काम जी मैं रह तेरी याद तेरे सेवा कानून जी प्रभु भर भगवान तुम्हारी शरदा तेनू मिटानी रहती सी हर दे नाम जी तस्वीर तेरे विच नजर आती सी शरदा राम जी तुम्हारी शरदा तेनू चढ़ी रहती सी हर दे नाम दी तस्वीर तेरे विच नजर आती सी शरदा राम दी किन्ना बनाया सोना मंदिर किन्ना सोना बनाया मंदिर तू नंदा चोर काम गाओ सिर जुटे आखे जुट जाता हर बंदे काजू खातो खान गावा भगवान तेरा जैसे दुनिया काम दी मैं रहे तेरी नाथ तेरे सेव काम दी बाबू भगवान निराली बड़ी दुनिया तेरी निराले तेरे सोच सी बच्चे तेरे दम तेरे दर्द करते मोच सी निराली बड़ी दुनिया तेरी निराली तेरे सोच सी बच्चे तेरे दम तेरे दर्द करते मोच सी विच की जाद संतानू तू दिखाए ने दिन बहार दे बापू हर भगवान तेरा जैसे दुनिया गाँव तेरी रह रह के तेरी याद तेरे सेव खानू की बापू हर भगवान देंदा रहा तुझे मकान सुख सारे संसार दे तेरी बदौलत दर्शन के पहले मोर मान देंदा रहा तुझे मकान सुख सारे संसार दे तेरी बदौलत दर्शन के पहले मोर जवान दे आके झलक अपनी दिखा दे आके अपनी झलक दिखा दे असी प्यासे तेरे दीदार दे बापू हर भगवान तेरे जस दुनिया करो मजी रह रह के तेरी याद तेरे सेव कामी बापू हरि भगवान तेरा ओ बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह बहुत सुंदर, जय। हाँ जी सत वे बापू दी साधु करता जी, जय। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय बांके जी बिहारी लाल की जय। जय।
सांवरे तेरा चुकर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, रे तेरा चुकर सांवरे। मैं जब से तुम्हारी शरण में हुआ आया, मैं जब से तुम्हारी चरण में हुआ आया, जो कुछ भी मांगा प्रभु तुमसे है पाया, जो कुछ भी मांगा प्रभु तुमसे है पाया। ये तेरी कृपा का, ये तेरी कृपा का है असर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। अगर मुझको मिलता ना तेरा सहारा, अगर मुझको मिलता ना तेरा सहारा, ना जाने भटकता मैं कहाँ का हमारा, ना जाने भटकता मैं कहाँ मारा मारा। ये जीवन गया है, ये जीवन गया है सुधर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, चुकर सांवरे तेरा चुकर सांवरे। सेवक को तेरे ना कोई कमी है, सेवक को तेरे ना कोई कमी है, आंखों तेरी कृपा की नमी है, आंखों पे तेरी कृपा की नमी है। सताए न चिंता, सताए न चिंता फिकर सांवरे, शुकर सांवरे तेरा शुकर सांवरे, शुकर सांवरे तेरा शुकर सांवरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, शुकर सांवरे तेरा शुकर सांवरे। दासी को जो कुछ
नहीं है दासी लुक्की लुक्की एक मिनट। हाँ जी गाओ जी गाओ। दासी को जो कुछ हासिल नहीं है शायद उसके काबिल नहीं है, शायद उसके काबिल नहीं है, मुझको मिला है, मुझको मिला है तेरा दर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बापू सदाराम जी महाराज आपकी, बापू हाँ जी हाँ जी हाँ जी रहेगा। और हाँ जय जी बहुत सुंदर मेरे बहुत सुंदर। अच्छा बहुत सुंदर। और आज तो भाई मान्या से सुनने हैं, मान्या से हम दो सुनेंगे, कल सुना नहीं पाई, मान्या लेट हो गई थी, तो आज सुनेंगे मान्या से। अगर किसी को जल्दी नहीं है तो मान्या नेक्स्ट सुन लेते हैं। मान्या कनव मान्या बेटा टाइम है ना आपके पास, नेट अभी पड़ा है ना, एक मिनट अपना जय अनम्यूट करो बापू बेटा। जी, जय जय बापू बापू, आप सुनाओ। सभी को जय जय बापू जी, जय सच्चिदानंद, लागे बापू जी, जय सच्चिदानंद। प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, लागे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, लागे प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, बालाजी का द्वारा रे तो प्रेतराज का द्वारा, बालाजी का द्वारा रे तो प्रेतराज का द्वारा, के प्यारा प्यारा श्री बालाजी द्वारा, के प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, बजरंग बालाजी नगर मंदिर अंदर बैठे हैं, बजरंग बालाजी नगर बैठे हैं, दूर दूर से दुखिया आकर अपनी अपनी कहते हैं, दूर दूर से दुखिया आकर अपनी अपनी कहते हैं, रंग काटे सारा श्री बालाजी का, लागे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का, लागे प्यारा बालाजी का द्वार, लागे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का, आगे भैरव पीछे प्रेतराज बीच में आप विराजे हैं, आगे भैरव पीछे प्रेतराज बीच में आप विराजे हैं, भक्त जनों के संकट काटे जय जयकार मनाते हैं, भक्त जनों के संकट काटे जय जयकार मनाते हैं, बड़ी हो रही जय जयकार श्री बालाजी का द्वारा, लागे प्यारा प्यारा श्री बालाजी, आगे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, आगे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वारा, केसरी नंदन सुनंदन मेरी भी फरियाद सुनो, केसरी नंदन सुनंदन मेरी भी फरियाद सुनो, चरण कमल की सेवा देकर रोग दोष सब दूर करो, चरण कमल की सेवा देकर सब दूर करो, भक्तों का वाला श्री बालाजी का द्वार, श्री बालाजी आगे प्यारा प्यारा श्री बालाजी का द्वार, सुबह शाम तेरी घंटी उठाकर हाँ मैं
पुजारी जी, सुबह शाम कभी आपके उतारे नंद किशोर पुजारी जी, प्यारा श्री बाला आगे, प्यारा प्यारा श्री बालाजी का आगे, प्यारा प्यारा श्री बालाजी का प्यारा श्री बालाजी का द्वार, सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, प्रिया चंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बाला की माला की जय, प्रेत भगवान की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, की जय, मंत्र की माला की जय, सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म धर्म के की जय, चंद्र की जय, श्री भारत की माला की जय, की जय, कोतवाल कप्तान की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, घाटे वाले बाबा की जय, महंत जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म के की जय, श्याम चंद्र की जय, धर्म की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सरदार की जय, धनवाल की जय, विष्णु भगवान की जय, घाटे वालों बाबा की जय, जी महाराज की जय, तो दरबार की जय। आपको वाह 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 मान्या, सती सी देवी की भी जय। थैंक यू। मान्या का भोला मुखड़ा हमें लागे प्यारा राजा प्यारा, मान्या का भोला मुखड़ा हमें लागे प्यारा प्यारा, जिसने भजन गा गा के अपना जीवन है संवारा। मान्या का मुखड़ा भोला हमें लागे प्यारा प्यारा, वाह विवाह मान्या कनव, गॉड ब्लेस यू बेटा, लगे रहो इस तरफ है, क्या बात, बहुत सुंदर। बापू आपके मम्मी डैडी को भी बड़ी इस बात की मुबारक है, इस बात जुड़े हुए इस तरफ, चलो शाबाश, बहुत सुंदर। जी, बापू जय बापू जी, जय बापू। जी, आपके सदा ही जय, तेरे चर्चे न सुन सुन के, तेरे दरबारे आई हूँ, तेरे चर्चे न सुन सुन के, तेरे दरबारे आई हूँ, तेरी रहमत मिले मुझको, ये अर्जी साथ लाई हूँ, तेरी रहमत मिले मुझको, ये अर्जी साथ लाई हूँ, सुना है मैंने बापू जी, जहाँ खुशियाँ लुटाते हो, सुना है मैंने बापू जी, जहाँ खुशियाँ लुटाते हो, मेरी झोली पर बापू आस मैं लेके आई हूँ, मेरी झोली भर बापू आस मैं लेके आई हूँ, तेरे चर्चे मैं सुन सुन के, तेरे दरबारे आई हूँ, तेरी रहमत मिले मुझको, ये अर्जी साथ लाई हूँ, तेरा दर्शन कृष्णा है, जहाँ हर रोज होता
तेरा दर्शन कृष्णा है, जहाँ हर रोज होता है। जे दो प्यासी मेरी अखियाँ, इन्हें भी साथ लाई। तेरी मूरत नहीं मिलती, किसी की मूरत, तेरी मूरत नहीं मिलती, किसी की मूरत। मेरे साहिबा मेरे रब जी, तेरी तस्वीर लाई हूँ। मेरे साहिबा मेरे रब जी, तेरी तस्वीर लाई हूँ। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरी रहमत मिले मुझको, ये अर्जी साथ लाई हूँ। तेरी चाहत तेरी पूजा, यही तो है मेरा जीवन। तेरी चाहत तेरी पूजा, यही तो है मेरा जीवन। मेरी सांसें तुझे अर्पण, यही सौगात लाई हूँ। मेरी सांसें तुझे अर्पण, यही सौगात लाई हूँ। नहीं आता मुझे जीना सतगुरु बिना तेरे, नहीं आता मुझे जीना सतगुरु बिना तेरे। बिना तेरे जीऊँ कैसे, सवाल तेरे पास लाई हूँ। बिना तेरे जीऊँ कैसे, सवाल तेरे पास लाई हूँ। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरी रहमत मिले मुझको, जे अर्जी साथ लाई हूँ। ना भूली हूँ ना भूलूंगी तेरे दर्शन तेरी बातें। ना भूली हूँ ना भूलूंगी तेरे दर्शन तेरी बातें। वो फरियाद मेरी सुनना, शुक्र करने में आई हूँ। वो फरियाद मेरी सुनना, शुक्र करने में आई हूँ। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरी रहमत मिले मुझको, जे अर्जी साथ लाई हूँ। जे अर्जी साथ लाई हूँ। ओम बापू नंदा चौक वाले आपकी सदा ही जय।
ओम शहंशाह दंड की सदा वाह नारायण जी वाह, बोल रहा। जय सुन सुन के मैं तेरे दरबार आई हूँ। बहुत सुंदर भजन है, अभी जितनी बार सुन लो अच्छा लगता है। बिना बिना बहन जी आप बड़े प्रेम से बड़े इत्मीनान से गाते हैं। गॉड ब्लेस यू। बाबा, चांदी दी का तो भाई नंबर, चांदी दी गाएगी तो है कविता। नागपाल जी भी जुड़ गए हैं। दसवां नंबर डाला हुआ है भैया। अब 9 नंबर रेणु जी का, 10वां नंबर चांदी दी का। जी हाँ जी। ओम बाप नंदा चोर वाले आया आपकी सदा जय, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा जय। सतगुरु प्यारे तेनू सुरदे च वसा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ाई। सतगुरु प्यारे तेनू हृदय वसा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लूं। सुंदर छवि तेरी मेरे मन भाई, बावरा चकी जी तारे ही होश मकाई। सुंदर छवि तेरी मेरे मन भाई, बावरा चकी तारे ही होश न काई। शुक्र करा जे तेनू अपना बना लवा, शुक्र करा जे तेनू अपना बना लवा, चरना दी धूड़ी तेरी ते चढ़ा आलम, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवा। सतगुर प्यारे तेनू हृदय वसा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवा। पूरी ना हुंदी मेरे मन दी आस जी, घड़ी दे दर्शन जन्मा दी प्यास जी। पूरी ना हुई मेरे मन दी आस जी, घड़ी दे दर्शन जन्मा दी प्यास जी। प्यास बुझावन बदले होर ना मैं लाल मां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवा। प्यास बुझावन बदले होर ना मैं लाल मां, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवां। सतगुर प्यारे तेनू हृदय वसा लवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवां। नजर मोहब्बत वाली जरा तो उठा प्रभु, दासन दासी दे भाग जगा प्रभु। नजर मोहब्बत वाली जरा तो उठा प्रभु, दासन दासी दे भाग जगा प्रभु। आज दी घड़ी दा जे मुल मैं पालवा, चरना दी धूड़ी
तेरी सिर ते चढ़ा लवां, अज दी घड़ी ताजे मुल में पालवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवां। सतगुर प्यारे तेनू तेरे दे वसा लवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवां। रंग दे तने माने मेरा नी मानी दा, रजिया मैं वेख के ए हाल जमाने दा। रंग दे तने माने मेरा नी मानी दा, रजिया मैं वेख के हाल जमाने दा। अमर प्रीत तेरी दाता मैं पालवां, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवां। अमर प्रीत तेरी दाता मैं पालवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवां। सतगुरु प्यारे तेनू हिरदे वसा लवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा लवां, चरना दी धूड़ी तेरी तेरे ते चढ़ा। ओम बाप नंदा चोर वाले आपकी सदाई। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। रेणु जी, ये तो जिन्नी बार सुन लो भजन, ये नानकी भी सुनान नहीं होंगी कि सतगुरु प्यारे तेनो हिरदे वसा लवा, चरणा दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवा। बहुत सुंदर बड़ा बहुत भजन। बढ़िया, हाँ जी जय बाबा, वाह। जय हाँ बापू जी, जी बहुत ए, बहुत ए, 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 जय बापू ए, जी। ए, जय बापू जी, चांदी दी प्रणाम। कहने भी पूरी सब तो मैनू जेड़ा मेरा बड़ा ही फेवरेट है कि पूरी ना हुंदी मेरे मन दी आस जी, घड़ी दे दर्शन जन्मा दी प्यास जी, प्यास बुझावन बदले, प्यास बुझावन बदले, और ना मैं लालवा, चरना चेहरे दी धूड़ी तेरी सिर ते। बड़ा ही सुंदर है, एक एक अंतरा ही इतना सुंदर है। जय जयकार। हाँ जी गाओ जी गाओ, नेक्स्ट कौन गा रहा है? चांदनी, जय आप बापू भजन सुनाओगी? जी, सत करता सारे नु, सत गुरु करता, सत भैया करता जी, सत करता। जय नागपाल बापू जी बहुत सुना रहे हैं। और बहुत जी। भैया हाँ नागपाल जी भाई, हाँ तुसे बोलो अपनी बोलो तुसे सुनाना भजन मेरी बोलो। मेरा अच्छा टाइम समय अक्षी तक नहीं अक्षी गया का अभी, है भाई। हाँ जी हाँ जी। पूजा की कुछ कह रही है? चांदी, हाँ जी, मैं कह राती गाल कर ले, अरे तुस तो बड़े दिन हो गए गाल हाँ ही ठीक नहीं कर दे। है ठीक, ठीक है बेटा ठीक है। ओ ठीक चांदी ने तुसी है, भजन सुना, अक्षी अक्षिका बेटी आज से भी भी आई सुनते हैं। आपने सुनाओ सुनाओ जी बोलो, फिर, सुनाओ जयकारा जी लगाओ सुनाओ। तुम चांदी दी। बापू नहीं सरदारा आज नहीं, सुनाओ बिल्कुल कोई और बोल देगा। कोई। अक्षिका ठीक है सुनाओ ठीक क्या, है, अच्छी का तो रोज़ी? सुन लेंगे। नहीं भैया ना, नंबर लगे हुए, 1 मिनट। हाँ, ठीक नंबर नंबर है जिस ठीक लगे है। रोजी। जय बापू, जय बापू, जय जय ओम बापू बापू जी। मेरा चोर वाली, आपकी सदा ही जय हो। आपकी सदा ही जय जय। भगवान श्री राम के जो इतना सुंदर, इतना पावन चरित्र जो उन्होंने निभाया, जो हम देखते सुनते आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उससे जो हमें व्यवहारिक जीवन में सीखने को मिलता है बहुत सारे, कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो,
या माँ पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, सारे संबंधों से इतनी प्रेरणा हम सब जानते हैं। पूरी रामायण में क्या क्या चरित्र प्रभु ने करे सभी सभी जानते हैं उसके बारे में। लेकिन बड़ी विडंबना है, जैसे बापू हर भगवान जी महाराज जी कहते थे कि मैनू तो मंदे ने पर मेरी नहीं मंदे। हम सब भगवान श्री राम के सामने सिर झुकाते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन हम वैसा व्यवहारिक जीवन नहीं जीते हैं। शायद लाखों में से कोई एक हो, जैसे बुद्ध भैया, कि जिनकी सतनाम इनको सब सतनाम जानते हैं, केवल इस भारत देश में ही नहीं विदेश में भी जिनकी प्रशंसा करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई भाई का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, पिता पुत्र का जो प्रेम प्यार वो जी रहे वाह हैं, जो व्यवहारिक जीवन वो जी रहे हैं, वो हम सबके लिए आदर्श हैं। और हम चाहते हैं हमारे कम से कम जूम सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं, हम सब, हम भी ऐसा, हमारा भी चरित्र ऐसा हो जाए जो भैया हमारे लिए आदर्श है, और जो प्रभु राम हमें से सिखा डर रहे हैं, जो प्रभु राम हमें वाह सिखा रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत सुंदर घटना घटती है कि जिस समय लक्ष्मण, ये राम रावण जी का युद्ध हो रहा था, श्री राम जी का रावण का, तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा। अब जब मारा तो वो जो शरीर था वो वहीं गिर गया युद्ध के मैदान में, वो आके राम जी के जो खेमा था वहां के गिर गया, शव शव पड़ा रहा। लेकिन जो मेघनाद की पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। अब ये होता था ना कि पति मर जाए तो पत्नी को सती होना है, तो मेघनाद के जो शव गिरा उसकी जो दाहिनी भुजा थी, वो दाहिनी भुजा जाके सुलोचना के पास गिरी, और उसका जो तेज था पतिव्रता होने का, तो वो दाहिनी भुजा ने सुलोचना के सामने जाके सारा वृतांत लिख दिया कि आज ऐसे ऐसे युद्ध हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, और लक्ष्मण जी ने मारा है और मृत्यु हो गई है। सारा वृतांत उस भुजा ने लिख दिया। वो तो सुलोचना सोचने लगी, उसने निश्चय किया कि भाई अब तो मुझे सती होना है, अब मैं क्या करूं। लेकिन सती तो वो तब हो ना जब उसके सामने उसके पति का शव हो, उसके साथ वो चिता में जले। तो अब वो शव कहाँ था, वो तो राम जी के दल में पड़ा हुआ था। तो जाके वो अपने ससुर जो है रावण के पास जाती है और कहती है कि भाई मुझे तो अपने पति का शव चाहिए, मांगती है वहां जाके। तो रावण ने कहा कि देवी तुम अपने आप जाओ ना राम के दल में, अपने पति का शव लो वहां जाके। रावण कहता है, और क्या कह रहा है रावण, कि अरे जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण, और एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम है, सुलोचना तुम्हें उस समाज में जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं आओगी, तुम्हें निराश नहीं लौटाया जाएगा, जाओ तुम। जिस समय रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था दरबार में बैठ के, तो उस समय और मंत्री भी बैठे हुए थे। अब मंत्री सुन रहे थे, तो वो कहने लगे, एक मंत्री बोला, अरे भाई जिनकी पत्नी ने को आपने जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बना के अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आप अपनी बहू को भेज रहे हैं, कहाँ तक उचित है? अगर वो चली गई तो क्या सुरक्षित लौट के आएगी? मंत्री कह रहा ये बात। तो रावण ने कहा, अरे मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है, ये तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। तो धन्य है ऐसे श्री राम जी का चरित्र बल, जिनका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। तो हमें ऐसे राम जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने कहा है, गिरी से गिरी पर जो गिरे, सो एक ही बार, जो चरित्र गिरी से गिरे बिगड़े जन्म हजार। कि पहाड़ से पहाड़ पे गिरने वाले की तो मृत्यु एक बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिरते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपम जननी जठरे शयनम, कि उन्हें तो इस चक्र में बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, वाह और अपने दुख भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे हमें हमारे भगवान श्री राम है, कि हमें जो है कहते हैं ना, बैरियु राम बड़ाई करे, कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। श्री राम जी का नकल करने वालों की बुद्धि भी पवित्र हो जाती है,
जब रावण को लगा ना कि भाई अब तो सारी सेना मेरी खत्म हो रही है, बढ़िया बढ़िया सेना नायक खत्म हो रहे हैं, तो वो कुंभकर्ण को जगाने गया। अब कुंभकर्ण को जगाने गया, वो उठा तो सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ था, क्यों युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण तो एक बार सुन के बड़ा हैरान हो गया, यार ये तो बड़ा गलत हो गया। तो कहने लगा रावण को, सोचता है फिर कहता है, भाई सीता का अपहरण करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। रावण को कहता है, अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे वश में हुई भी या नहीं सीता? तो रावण कहता है, भाई मैंने तो सारे उपाय करके देख लिए, किंतु तो मैं हाँ सीता को वश में नहीं कर सका। तो हाँ कुंभकर्ण ने कहा कि क्या तुम कभी राम बन के गए सीता के पास, उस अशोक वाटिका में कभी राम बन के गए हो? तो रावण ने कहा कि जब मैं राम का रूप बनाने के लिए ध्यान करता था ना उनके अंगों का, मेरे तो हृदय के अंदर जितने सारे कलुष थे ना, जो बुराइयां, वही समाप्त होना शुरू हो जाती है। फिर तो सीता जी को वश में करने का ही प्रश्न नहीं उठता कि मैं कैसे वश में कर लूं। तो कहते ना, जब जब रूप राम कर धारी, परतियां लगी मंगू महतारी, कि राम जी के तो ध्यान से ही जो है निष्पाप हो जाता है इंसान। तो ऐसे राम जी का चरित्र है, जिन माँ ने, जिनके कई माँ ने वनवास दिया। कहते हैं कि जब वो वापिस आए, अयोध्या वापिस आए सारी 14 वर्षों बाद, तो सबसे पहले आके के कई माँ से मिले, फिर किसी और से मिले। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र है जो हमें इतने सुंदर व्यवहारिक जीवन जीने की सिखाता है। तो हमें उनसे ही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। जय बापू, बहुत बहुत सुंदर जय रोजी, आपको भी नमस्कार है। इतने सुंदर बापू। सुंदर प्रसंग लेके आती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। देखो जी भी किस तरह का गुरु और सेवक का भी रिश्ता कैसा सुंदर है। उसमें हर एक चीज दशरथ जी गुरु से पूछ के करते हैं, ये सभी को बताया हुआ है। चाहे राजा हो, देश का राजा हो, या किसी या घर का हो बड़ा, तो उनको पता है गुरु जी से आज्ञा लेके जो भी काम करना है, भाई भाइयों का, भाई भाभी का, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कितना कदर आपने कर। मैं कहता हूँ रामायण कमाल का, मतलब कि इतना सुंदर, मतलब के रामायण में जो शिक्षा मिली है ना, कमाल की बात हो गया। रामायण जिसमें की कोई ऐसी शिक्षा आई कि ये तो अपना कंस्टिट्यूशन है हिंदू धर्म का। सही बात है, ये हिंदू धर्म का संविधान है एक तरह का। ये जो इसमें सारा, ये शायद ये राम जी सिर्फ हमें ये शिक्षा देने के लिए, अकल देने के लिए, जो कि मंद बुद्धि, जो बाल बुद्धि, अभी भी दुनिया इतनी है कि रिश्तों को समझ नहीं पाती है, रिश्तों को समझ नहीं पाती है, एक मिनट में तोड़ने में हो जाती है। उसने ये कह दिया तो मैं भी, ये मेरी ननद ने ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरा मेरी भाभी ने ये कह दिया, बस मैंने भी, वो नहीं, मेरे खिलाफ। अगर आप सुंदर तरंगे छोड़ोगे ना, आप कहोगे नहीं, वो नहीं है भाभी, आप ठीक। मतलब हमें तो इतना, मतलब हिंदू धर्म में जो जो अभी देखो, अगर उनकी बात लें या अपने ध्रुव जी की, ध्रुव की अगर माता ये कह देती कि यहाँ बड़ी उकलहनी है, वो जो मेरी, जो है मेरी, उनकी क्या लगी वो, उसको बोलते हो सौतन, तो ये मेरी बिल्कुल सौतन जो है ये तो बहुत कुलैनी है, ये वो बड़ी गंदी है, फिक्र ना कर, तू ही ना बोल रही आगे, तो तू, मतलब मोस्टली ऐसा कह देते हैं ना, माताएं ऐसा कह देती हैं। माता ही बच्चे को जो मर्जी बना सकती है। अब ध्रुव जी आम आदमी बन के, आम जब राजा बनते या जो भी बनते निकल जाते, अभी ध्रुव का देखो कहाँ पे स्थान है। क्यों 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 क्यों, क्यों उनकी माता ने कह दिया, हाँ बेटा वो ठीक कह रही है, आपकी जो दूसरी माँ है, छोटी माँ, जो ठीक कह रही है, बेटा आप भक्ति करो, अगली जन्म में आपको राजा बनने का अवसर मिलेगा, भक्ति करो। वो तभी तो कह रही है, मेरी कोख से जन्म लो लेते तभी तो बात बनती। तो ये बात है, इतना ज्यादा मतलब के ये इनसे हमें मिलता है ज्ञान, और रामायण से तो क्या मतलब कमाल ही होगी, मतलब कि एक पतिव्रता कैसे होना है। सीता माता से बड़ा कोई मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सीता माता से बड़ा कोई नहीं होता, जिसको पूरे राज लंका का महारानी बनाने का, और कितना, फिर सिर्फ ये नहीं कि उसको प्रबोधन ये दिया, अभी ये तेरे को दे दे, ये बना देंगे, महारानी बना देंगे भी, उसका फिर डर, उसके बाद कितना डराया, अभी तेरे को मैं कृपाण से गला काट दूं, ये वो, अपने जीवन का भी ख्याल ना करते हुए
पतिव्रता रहना, और ये बहुत कुछ, हर एक कोई भी प्रसंग ले लो जिसमें मतलब क्या नहीं मिलता हमें, कोई महाभारत का प्रसंग ले लो उससे भी शिक्षा मिलती है, अगर कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला हो तो, नहीं तो ऐसे स्टोरी समझ के ठीक है कथा सुन ली भाई ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा। हमें गुरुमुखों का यही हमें फर्ज बनता है कि हम उनसे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें, उनको सुने उनके। तो अभी मेरा मन ये है कि जब ये हो जाए ना, तो सरला मासी है यहाँ पे, सरला मासी नहीं आई तो सरला मासी से, क्योंकि उनकी मैं मुझे ये तो पता है सरला मासी का राम जी के साथ बड़ा प्रेम है, और मेरे माता जी का कृष्ण भगवान के साथ है, और एक चांद दीदी को भी देखा है मैंने, इनसे मैंने सुनी हुई है जो रामायण की कथा, और जो ये प्रेम से सुनाती हैं बहुत सुंदर, वो दूसरी रामायण थी शायद रामचरित मानस से इन्होंने कुछ सुनाया था मुझे कुछ दिन पहले बिहार में ना दिल्ली में। तो अभी राम जी की ये जो रामायण है ना पंजाबी रामायण जो पिता संत राम जी की है, वो सुनेंगे इनसे शुरू करवाते हैं, सरला मासी से सुनते हैं, मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है पढ़ के सरला मासी से, क्योंकि मीनू कह रही थी उनकी बेटी भी है सरला मासी, बहुत ही सुंदर पढ़ते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। तो वो हम सुनेंगे दोबारा से उसको एकदम सुनेंगे, कितना कुछ उन्होंने अपनी इनको अपनी बेटी को जो दिया है, उनकी माता ने सीता माता की माता ने वो उनको ज्ञान दिया है, वो भी उसमें है, बड़ा ही कुछ उसमें मिलेगा अपने सुनने को समझने को, बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा, तो वो हम सुनेंगे। थैंक यू एक बार फिर आपका रोजी, आप मेरा उदाहरण देती है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपसे गुजारिश है सारी संगत से कि मेरे लिए अरदास कर को भी और अच्छे इंसान बनाए प्रभु, जितना हो सके कि हाँ सुंदर जीवन हो और अच्छे इंसान बने, जी, बेटर इंसान बने, मैं अपना तो भजनों में लिखता हूँ कैसे। शालू जी तो बात होना, मेरा ख्याल अपना जी कथा चल रही है ना उसकी, जयदेव दी, वो 2 दिन दी हो रहे थे, वो अपना सवा सर का टाइम रखा हुआ है, हम शालू हाँ जी हाँ तो बाद वो कथा फिर 5-10 मिनट कर ली है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी शालू ओम जी दे बापू करण नंदा का तो पालिया आपकी सदा जय 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 बापू दी, सारी संगत में जय बापू। बापू। नैनू नैनू कमली कमली आख दे, मेरा कमली हो गया ना, वाह मैं तेरी शुक्र गुजार हाँ, मैनू चरना च देती थां, मैनू कमली कमली आख दे, मेरा कमली हो गया ना, मैनू अपनी सुध बुध भूल गई, मैनू भूल गया मेरा नाम, मैनू अपनी सुध बुध भूल गई, मैनू भूल गया अपना नाम, मैनू कमली कमली आख दे, मेरा कमली हो गया नाम, तेरे दर दी कीती चाकरी, तेरी सेवा विच रवां, तेरे दर दी कीती चाकरी, तेरी सेवा विच रवां, मैनू कमली कमली आख दे, मेरा कमली हो गया ना, नी मैनू अपने ताने मार दे, दस बापू मैं की करां, वाह मैनू अपने ताने मार दे, दस बापू मैं की करां, मैनू कमली कमली आख दे, मेरा
कमली हो गया ना, मैं तेरे दर नू छोड़ के दस होर केड़े दरवा, मैं तेरे दर नू छोड़ के दस होर केड़े दरवा, मैनू कमली कमली आख दे, मेरा कमली हो गया नाम, मैं तप दे दिलू ठार दी तेरी ठंडी मिठड़ी छां, मैं तप दे दिलनू ठार दी तेरी ठंडी मिठड़ी छां, मैनू कमली कमली आख दे अरे मेरा वाह कमली हो गया ना, जी, जिनू कोई ना पुछदा बापू तू उस दी फड़ ली मां, जिनू कोई ना पुछदा बापू तू उस दी फड़ ली मां, मैनू कमली कमली आख दे मेरा कमली हो गया ना, तू सब ते मेरा करना है मेरा मेरा वाला साहिब, तू सब ते मेरा करना है मेरे मेरा वाला साहिब, मैनू कमली कमली आख दे मेरा कमली हो गया ना, मैं तेरी शुक्र गुजार हाँ, मैनू चरना विच देती छां, ओ लाखों नंदा चोर वालिया की सदा राधा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। जय हो। हाँ जी, अनम्यूट कर लो अपना, लो जी मामा जी। अच्छा नहीं, अक्षिका मामा अक्षिका जी अक्षिका दोबारा। ठीक ओम बापू शारदा राम जी जी महाराज आपकी महाराज, आपकी सदा। सदा ही जय। हम पापी गनहारों को बापू तेरा सहारा है, दीन बंधु मेरी जीवन नैया डोल रही मिलता ना किनारा है, जी दीन जी बंधु तेरी शरण जो आता है सब संकट दूर हो जाता है, भटका चरणों में सर को झुकाता है, भटका हुआ ये दास तेरे चरणों पे सर को झुकाता है, मुझे तारो तारनहार हो तुम ये दास तुम्हारा है, मुझे तारो तारनहार हो तुम ये दास तुम्हारा है, दीन बंधु मेरी जीवन नैया डोल रही मिलता ना किनारा है, दीन बंधु मुझ पापी पर दया करो, अपराध मेरे सब क्षमा करो,
मुझ पापी पर दया करो, अपराध मेरे सब क्षमा करो। ऐसे शारदा राम जी महाराज आपकी कमाल सेवा। आपकी सदा। वाह जी वाह, बहुत गाती है अक्षय, बहुत सुंदर सुनाया आपने, सुंदर है यार, बहुत मैं सुंदर फिर है। कोई अचानक से मिल गया अभी। मैंने महाराज जी को बोला, मैंने तो कुछ भी सोचा नहीं है, मेरे को भजन बोलना है, तो इतने तो में बगैर ही आ पलायन कर जाता रहा है। अब इसमें आगे ये लाइन लिखी हुई है कि भजन, ये भजन दरबार ढक्का साफ दिल्ली विच कीर्तन शुरू करन तो पहला रोज पढ़िया करो। ये शारदा राम जी ने बोला वाह, था। तो ठीक है। सुबह वाह हवन, जब हवन होता है ना, उसके बाद स्टार्टिंग इसी भजन से होती है, वाह और भाई, मैंने ये फिर वहीं अक्षय भी सुना था। सुनाया करें ना, हफ्ते 10 दिन बाद जब भी गए। हाँ, हाँ, जब भी ये मौका तो लगे मेरा इसको कल्याण हो गया आज आकर। तो फिर कमाल महाराज जी, शारदा राम जी ने भजन सुनकर नाम दा दान दिता। ओ जेड़े लाल है। चंद जी, हमदर्द, हाँ हमदर्द आया ना नाम, हाँ मुझे हाँ लगा भी शायद हमदर्द जी ने लिखा होगा। हाँ लाल जी चंद जी हाँ हमदर्द, वो अपना जी हाँ तखल्लुस रखते थे, तखल्लुस हाँ उन्होंने रखा। जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उनके बेटे ही पढ़ते हैं सुबह, ये बहुत सुंदर हाँ, बोलते हैं वो पूरी बड़ी सेवा दरबार। में, पूरा पूरा परिवार।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी मैं सुनाने लग्या बड़ी सुंदर रचना, सुंदर तरीके से पढ़ी आपने। कथा जय। कथा हाँ तो थोड़ी कथा छोटी जी है, मैं 2-3 मिनट का भजन सुना के कथा सुना। सुनाओ जी सुनाओ। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। जय जी जय। मोहन नाथ आए ना, मोहे ना आए ना, जिया डर डर जाए नैना भर भर आए, जिया डर डर जाए नैना भर भर आए, पापी पपीहा मो नित पी पी कहे, मोहे ना आए ना, मोहे ना आए ना, जन्म जन्म से चैन न पाया, जन्म जन्म से चैन न पाया, छलनी माया ने भर माया, छलनी माया ने भर माया, ओ निर्मोही नहीं कोई अर रोई सुन, ओ निर्मोही नहीं कोई अर जोई सुन, पापी पपीहा नित पी पी कहे, मोहे ना आए ना, मोहे ना आए ना, भावन बीता तुम नहीं आए, सावन बीता तुम नहीं आए, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है, जग सुख की नींद में सोता है, पर वो बिरह की मारी रोती है, वो बिरह की मारी रोती है, मोहे ना आए ना, मोहे ना आए ना, जिया डर डर जाए नैना भर भर आए, पापी पपीहा नित पी पी कहे, मोहे ना बिल्कुल आए ना, सावन बीता तुम नहीं आए, सावन बीता तुम नहीं आए, छम छम नैना नीर बहाए, छम छम नैना नीर बहाए, ओ निर्मोही नहीं कोई अर जोई सुन, पापी पपीहा नित पी पी कहे, मोहे ना आए ना, मोहे ना आए ना, जिया डर डर जाए नैना भर भर आए, पापी पपीहा नित पी पी कहे, मोहे ना आए ना, मोहे ना आए ना, ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। वाह। हाँ जी जय। बहुत सुंदर। मोहिनी दंडौत दंडौत बहुत वंदन अनुपमा सर्व प्रतीक। कला सम्राट, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ते आप जयदेव जी की कथा चल रही सी, जदों जयदेव जी का विआह हो गया तो पद्मावती नाल वो अपने घर पिंड आ गई थी वापस, ते उदों उन्होंने गीत गोबिंद की रचना करनी शुरू की थी जी। भगत जयदेव जी संस्कृति पढ़े सन, वेद मंत्र ते उपनिषदां दे मंत्र, महाभारत ते वाल्मीकि दी रामायण दे श्लोक इन्ने याद सन कि भावें महीना गाउंदे रहिंदे मुकदे नहीं सन, पर उन्हां ने आप संस्कृत विच गीत रचे जो संस्कृत साहित्य साहित्य दी महान रचना है। भगत जयदेव जी का ग्रंथ गीत गोविंदा कृष्ण भक्ति का महान ग्रंथ है। गीत गोविंद उन्हां ने कथा रची है वो हैगा। भगत जयदेव जी का ग्रंथ गीत गोविंदा कृष्ण भक्ति का महान ग्रंथ है, इस दी रचना 1 महीना जां साल विच नहीं हुई सगों कईयां सालां विच हुई है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾਕੀ ਆਈ, ਅਨੋਖੀ ਝਾਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਕੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਸੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰੋਂ ਰਾਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਬਾਨੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਉੱਤੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਲੋਕ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਚਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਵਾਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਾਹ ਸਮੇਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਦਮਾਵਤੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਚਰਨ ਪਰ ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਨਾ ਔੜਿਆ, ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪਦਮੋ ਹੁਣ ਪਦਮੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਛੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਦਮਾਵਤੀ, ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਮੁੜ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਔੜਦਾ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਦਮੇ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਾ ਉਹ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਦਮੇ ਲਿਆ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਆਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਚਰਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਦਮੇ, ਲਿਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਛੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੱਤਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰਤਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੂਠੇ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪੱਤਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਦਮੇ, ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੋਡ, ਲੱਗ ਗਈ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
वाह वाह वाह, पद्मावती ने बुरकी अजे बुला नूं नहीं सी लाई, उसके हथों बुरकी डिग पई ते हैरानी नाल देखदी हुई कंबदी ना बुला नाल बोली, जे आप हुण नहीं आए तां आप दा सरूप धारण करके कौन आया? आप दे छंद दा चौथा चरण पूरा होया। ओ सतनाम छंद फुल चौथा बन के चरण पूरा बिहारी होया लाल भगवान की कृष्ण कर जय। गए। हाँ ओही तो कह रहे कृष्ण हैं, कुमार प्रसंग की। मैं सुना है, ब्यूटीफुल, वाह वाह, एक गीत गोविंद, बिल्कुल बिल्कुल भोजन ब्यूटीफुल। छकिया कौन आया, आप दे छंद दा चौथा चरण पूरा होया। भोजन छकिया कितने सीता वांग मेरे नाल कोई धोखा तो नहीं सी होन लगा। इस दे पिछों पद्मावती ने सारी वार्ता सुनाई, भगत जी ने ग्रंथ दा लिखा हिस्सा लैके चुकया, जां देखिया तां ये छंद मुकम्मल होया। जिवें हरभजन सिंह कहते ने ना, करम मेरी उंदी ते लिखा दे बापू हर भगवान ने, बिल्कुल वो ही सेम गल बिल्कुल, हुई कि वो भगवान आप ही लिख गए। कमाल करती, कमाल, भगत जी सफल मकाशी वाली जा रही, वाह, कमल रंजनम मम हृदय रंजनम जन तर तर तिरंग पर भाग्यों भाग्यों, बाण समरण बाण करवाण चरण दया सर सलथ दल कत करागमु। ये छंद है वो जरा संस्कृत च। समर गल खंडनम सम शीर्ष खंडनम दे मोपट पदम मुराटरमु। ये संस्कृत का शब्द जरा पूरा हो गया। सारी वार्ता सुन के ते छंद पूरा होया देख के भगत जान गया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी सहायता की है। पद्मा पासों भोजन छकिया है, उसने भगवान का शीत प्रसाद छक लिया, कपाट खुल गए, प्रसन्न होके उस दिन घर आ गए। गीत गोविंद पुरी के मंदिर विच भेजना, भगवान श्री कृष्ण जी दे दर्शन देन ते छेती ही गीत गोविंद का ग्रंथ संपूर्ण हो गया। जदों ग्रंथ वाह संपूर्ण होया तां उसकी एक होर लिखत नकल तैयार की, सुंदर कपड़े विच बन के वह पद्मावती समेत पुरी के मंदिर विच पूजा ते एक गीत उसने गाया। गीत सारे गाउन पिछों वह ग्रंथ भगवान के चरणों विच रख दिता। उसके गीत लोगों नू एने चंगे लगे कि हर कोई चेते करके गाउन लगा। भगत जयदेव जी का नाम दी बहुत ही चर्चा हुई। जगन्नाथपुरी का राजा ब्राह्मण सी, वह अपने आप नू कवि ते महाविद्वान मनदा सी। उसने जदों गीत गोविंद की शोभा सुनी तां उसदे अंदर ईर्ष्या की अग बल उठी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह गीत गोविंद वर्गा ग्रंथ लिखणगे ते अपने ग्रंथ का प्रचार कराउणगे, क्योंकि उस कोल माया बहुत सी। माया आसरे मूर्ख भी पंडित समझा जाता है। जगत विच माया का हर थां ही प्रताप है, कौन वड्डा माया वड्याई वाली गल है जगत से। उस राजे नूं माया का माण हो गया ते गीत गोविंद ग्रंथ तैयार किया। ग्रंथ तैयार होने ते ब्राह्मणा नूं सद के कहण लगा, देखो ये गीत गोविंद दी मैं रचना की है, इस दे गीतां नूं प्रचारो, बहुत सारा धन दान करांगा। पर ब्राह्मण ये पाप नहीं करना चाहते सन कि असली गीत ग्रंथ की थां नकली का प्रचार करन। उन्होंने राजे नूं उत्तर दिता, हे राजन ये नहीं हो सकता कि असी अपने आप तेरे ग्रंथ का प्रचार करिए। ये तो हो सकता है कि दोवें ग्रंथ श्री भगवान जी की हजूरी विच रख देंदे हाँ, वो जिस ग्रंथ नूं प्रवान करन उसे दा प्रचार होवेगा। जे ये वो दोहां नूं प्रवान करन तां दोहां दा प्रचार होवेगा। पंडितां दी इस सलाह नूं राजा भी मन गया। चलो इसे तरह ही सही सवेरे ही दोवें ग्रंथ मंदिर विच चढ़ाए जाण, आपे पता लग जाएगा भगवान किस नूं चाहुंदा है। सारे शहर विच ये खबर लिख खिलर गई कि राजे ते श्री जयदेव जी दे गीत गोविंद ग्रंथां दा मुकाबला होवेगा। लोग ये सुन के प्रभु कौतक नूं देखण वास्ते हुम हुमा के पुजे। राजा वजीरा समेत हंकार विच मस्त होया। उस नूं ये माण सी कि उसका गीत गोविंद ग्रंथ चंगा है। दोवें ग्रंथ श्री परशोत्तम जी की मूर्त अगे रख दिते गए। सारे लोग मंदिर तो बाहर आ हो गए। पुजारी पंडित ने मूर्ति अगे अरदास की।
हे भगवान, ये दो ग्रंथ आप दे चरणा विच रखे जाते हैं, इन्हां विचों जिस ग्रंथ नूं आप प्रवान करते हो उसनों कोल रख लवो ते दूसरे नूं मंदिर विचों बाहर कढ दिओ। हे प्रभु, ये फैसला तुसी ही कर सकते हो। ऐसी प्रार्थना करके मुख पुजारी भी आ गया। अंदर सिर्फ रहे ग्रंथ ते भगवान की मूर्ति। मंदिर के पुजारी, राजा ते शहर के साधारण लोग बड़ी तीव्र इच्छा नाल देख रहे सन कि भगवान जी किस दे हक विच फैसला करते हैं अते किस नूं माण बख्शणगे। भगवान की लीला भगवान जाने, मनुख की जान सकता है। बाहर खलोतिया नूं इउं अनुभव होया कि मंदिर विच कोई पुरश फिरदा है ते चीजां नूं उल्ट पुल्ट करदा है करदा सी। उस हिलजुल दे थोड़े समय ही पिछों एक ग्रंथ पटाक करके मंदिर दियां बरूआं तों बाहर फर्श उत्ते आ डिगा। उसदे वरके खिलर गए। एक ग्रंथ दे बाहर आउण ते लोकां ने खुशी विच भगवान पुरशोत्तम दे नारे लगाए। मुखी पुजारी ने अगे होके बाहर डिगा ग्रंथ चुक के देखिया। उसने पुकारिया, भगवान दे भगतो सुन लवो, भगवान ने राजे दे ग्रंथ गीत गोविंद नूं बाहर सुट दिता है अते जयदेव जी दे ग्रंथ नूं प्रवान कर लिया है। राजे दे ग्रंथ नूं प्रवान नहीं कीता। हुण जयदेव जी दे ग्रंथ दे गीत गाए जाणगे। लोग खुश हो गए पर राजा शर्मिंदा हो गया। उसनूं धरती वेर नहीं सी देंदी। लोग उत्थे ही उसनूं शर्मिंदा करन लग पए। उसने अपना ग्रंथ चुक लिया। वजीरां पंडतां ते होर जाणू लोकां कोलों अख बचा के समुद्र वल तुर पिया। उसने फैसला किया कि वह मर जाएगा। मरण के ख्याल नाल वह समुद्र के किनारे पुजा। समुद्र में छाल मारन लगा तो भगवान वालों बचन आया, हे राजन, आत्मघात करके दूसरा पाप ना कर। पहला पाप तू ईरखा करके किया है। तेरे ग्रंथ नू इस वास्ते नहीं प्रवान किया गया कि दिखण वेले तेरी आत्मा विच शरदा नहीं सी। ईरखा की अग नाल सड़दे मन नाल तुसा एरी रचना की रची है। हंकार नू त्याग, मूर्खता नू छड़, जा कुछ श्लोक श्री जयदेव जी दे ग्रंथ विच लिख लिख दे, प्रवान हो जाणगे। तेरा नाम अमर हो रह जाएगा। ये ग्रंथ पूरे का पूरा समुंदर की भेटा कर दे। ये भाख्या सुन के राजे दे मन विच कुछ शांति आई। उसने अपना ग्रंथ समुद्र विच सुट दिता। समुद्र के कंढ्यो नस के सीधा मंदिर विच आ गया। मंदिर की मूर्ति सामने दंडवत हो के भगवान को खिमा मंगी। अगे नूं ईरखा ना करन दी सुगंध चुकी। नाल ही ये प्रण किया कि जयदेव जी के ग्रंथ गीत गोविंद विचों ओह ये गीत जरूर मंदिर विच आ के पढ़िया करेगा। राजा इसे तरह ही करन लगा। इस गल नूं ने जयदेव जी की शोभा होर वधा दिती। राजे ने जयदेव जी दी नूं बहुत सारा धन दिता। गुरु जयदेव भगत जयदेव की जय। पढ़दे पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए, तेरा नाम ध्यालिया, वसे वैकुंठ परम गत पाए, हरि गंगा दा नाम ध्यालिया। बापू रंदा चौल वालिया, आपकी सदा की जय। भगत मान वाह जी वाह। हलवान के बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर नागपाल जी, इतना सुंदर ये गीत गोविंद है। चलो एक लाइन सारे मिलके पढ़ते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। गाओ। हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ गोपाल, मदन गोपाल प्यारो, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। हे गोविंद,
गोपाल राधा गोपाल वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल गोविंद 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 गोपाल, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल गोपाल राधा राधा गोपाल दिए तूने सूरज ये चंदा ये तारे, धरती माँ की गोद मात पिता के सहारे, धरती माँ की गोद मात पिता के सहारे, बना के मुझे इंसान ये एहसान किया है, बना के मुझे इंसान ये एहसान किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, ये परिवार सुंदर ये संसार सुंदर, मिला साधु संतों से है प्यार सुंदर, मिला सारी संगत से है प्यार सुंदर, मिला सतगुरु जी से है प्यार सुंदर, मिला सतगुरु जो मिला खुद खुदा है, मिला शरधा राम जो मिला खुद खुदा है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, बोल वांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सरकार राजा की भक्त प्रसाद जय। सारी सारी संगत में सात करतार, जय बाप जय बाप जय बोलिए बाप पर। जय बाप हाँ जी जी ठीक जय है, बाप परोपकार के देश के भैया पहले परोपकार तो परोपकार नाम दोनों एक जैसे लग। हाँ दोनों मुझे तो भैया नाम की क्या हस्बैंड की थोड़ा कलर का लगता है मेरे को सेम ही लगते हैं दोनों से तीनों देश प्यार और परोपकार, तीनों हाँ दीप थोड़ा भी। आज हाँ बोल म, पिता को भी आज वो तो आनंद आ गया पुत्र साथ आज में बोला के बोल भी। हाँ ओके अच्छा थैंक यू। गाओ जी गाओ।
अरुणा जी, अरुणा जी। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। सारे घर छोड़ के तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे घर छोड़ अरे अरे तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना देख लो तेरा बैकग्राउंड देख लो। काम है। जिसका दुनिया में अपना कोई ना होता, उसको अपना बनाना तेरा काम है। जिसका दुनिया में अपना कोई ना हो सका, उसको अपना बनाना तेरा काम है। सारे दर छोड़ के तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझको सारा जमाना क्यों न नफरत करे मुझसे, सारा जमाना क्यों नफरत ना करे, तुझे हृदय लगाना तेरा काम है। मुझे हृदय लगाना तेरा काम है। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो घर से तो चल दिया तेरी, मैं तो घर से चल दिया तेरी ओ, सोच कर आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों पे सिर को रख दिया मैंने, तेरे चरणों में सिर को रख दिया मैंने, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझे राह दिखाना तेरा काम है। मैंने झोली फैला दी तेरे दर पर, मैंने झोली फैला Recording दी तेरे दर पर, दान भक्ति का देना तेरा काम है। दान भक्ति का देना तेरा काम है। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, सारे घर छोड़ कर तेरे घर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैंने झोली फैला दी तेरे दर पर, मैंने झोली फैला दी तेरे दर पर, दान भक्ति का देना तेरा काम, दान भक्ति का देना तेरा काम है। छोड़ दी किश्ती मैंने तेरे दर पर, छोड़ दी किश्ती मैंने तेरे दर पर, उसे किनारे लगाना तेरा काम है। किनारे लगाना अरे ते सारे दर छोड़ कर मैं तेरे दर आ गया, सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा
तेरा हाँ काल भवती का देना तेरा हाँ कान भक्ति का देना तेरा काम है मुझे रास्ता दिखाना तेरा बाकुंदा छोड़ वाले आपकी सदा ही जय लाल जय। बहुत सुंदर अरुणा जी की की जय। जय। बहुत बढ़िया। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी अरुणा जी करो लगाओ। मधु जी के बाद हरभजन बता सिंह जी प्यार है ना, मधु जी के बाद हरभजन सिंह जी प्यार है ना। बांके बिहारी लाल की जय, प्यारे जय। की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हम तो तेरे दीवानी, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवानी, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। सोना और चांदी की हमको जरूरत नहीं, सोने और चांदी की हमको जरूरत नहीं। तुलसी की जय, तुलसी की माला से गले को सजाएंगे। तुलसी की माला से गले को सजाएंगे। दीवाने, भाई अपनी फैमिली की फैमिली की राधे राधे गाएंगे। महल अटारी की हमको जरूरत नहीं, महल अटारी की हमको जरूरत नहीं। राधे तेरे जय हो, राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों में जीवन बिताएंगे। राधे तेरे चरणों में जीवन बिताएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। लहंगा और साड़ी की हमको जरूरत नहीं, लहंगे और साड़ी की हमको जरूरत नहीं। राधे तेरी जय हो, राधे तेरी उतरन से तन को सजाएंगे। राधे तेरी उतरन से तन को सजाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। कुटुंब कबीले की हमको जरूरत नहीं, राधे तेरे मोहन को अपना बनाएंगे। राधे तेरे मोहन को अपना बनाएंगे। हम तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे 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 गाएंगे। लाडली सरकार की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, हारे के सहारे की जय। कलुए जी बांके बिहारी लाल की जय, हाथ पकड़ने वाले की जय। जय। वाह जी वाह। बहुत सुंदर मधु जी। हाँ जी शालू जी के पोते ना मुलाकात कराओ भाई। हाँ हाँ सामने जी था, मैं भी देख रही इसको, जय चढ़ता है ये, जय श्री कृष्ण। चढ़ जय श्री राधे। हाउ आर यू सर। हाथ मारता जगह जगह। हाँ जी लगाओ जी लगाओ। नेक्स्ट फिर कौन लगा रहा है।
हरभजन सिंह जी, जय बापू जी, जय जयकारा लगाओ बापू हरभजन सिंह। दास ग्वालियर आपकी सदा ही आपकी जय, सदा ही जय। धूम संसंगत पे कथा भजना दी बार आ गई ने बापू करे कि सारे दी जिंदगी च इस तरह ही बार आ ते घरां च महफिलां सजदियां रहन, जय हो, बापू दा आशीर्वाद बनिया रहे, तमु तंदुरुस्ती बख्शे ते सुमक्त बख्शे कि ओदे चरणां नाल असीं जुड़े रहिए। गुरु बिल्कुल प्यारी साध संगत जी, मेरे बापू और भगवान जी ने रचना लिखाई हैगी है, तो चरणा च मैं पेश कर रहे हाँ। जी और बहुत पुरानी तर्ज है, बड़ी मशहूर तर्ज हैगी है, बापू ने लिखाई है उस महान संत जिदा असी देना नहीं दे सकते, जिदी कुर्बानी और जिदा समर्पण और जिदा कि एक एग्जाम्पल जिन्हें जिस 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 संता एक एग्जाम्पल है दुनिया वास्ते, कुछ मान सत समझ गए मैं गल कर रहा बापू श्रद्धा राम जी की। एक बारी सारे मेरे नाल मिलके उस मान संत का जयकारा लाओ, ओम बापू श्रद्धा राम महाराज आपकी सदा जी, नमस्कार है बुद्ध प्रकाश जी। बड़े बड़े लोग बैठे ने, एक एक अल्फाज ने जिन्हें मेरे बापू ने लिखवाए ने सुनने वाले ने, दास जी कोई ऐसे तो नहीं है। नमस्कार है, जय हो, श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, क्या है देखो दर बापू दा जिथे आज भी दुनिया चुकदी है मनता मन, बिल्कुल श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया। गौर करना नागपाल जी, हाँ जी, हाँ श्रद्धा जी, राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, काम उसका तूने बना दिया। श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, काम उसका तूने बना दिया। श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, नजर कर रहे हैं बुद्ध प्रकाश जी, हाँ जब जी, हाँ तेरा जी, इशारा हुआ मेरे बापू दा, मुंह जो अल्फाज निकल गए वो ब्रह्म वचन सी, जब तेरा इशारा हुआ मेरे बापू, तूफान भी किनारा हुआ, कि जब तेरा इशारा हुआ तूफान भी किनारा हुआ, तूफान भी किनारा हुआ, हम जब से तुम्हारे हुए मेरे बापू, हम जब हाँ से तुम्हारे हुए, पूरे अरमान दिल के हुए, जले घर में खुशी के दिए, हम जब से तुम्हारे हुए, पूरे अरमान दिल के हुए, जल घर में खुशी के दिए। श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, काम उसका तूने बना दिया। अर्ज कर रहे सात संग जी, हकीकत है जी बापू बयान करवा रहे हैं, बापू जो जो तुझ में बापू खो गया, जो दिल से तेरा हो गया, जुबान से नहीं, जो बापू तुझ में खो गया, जो दिल से तेरा हो गया, जो दिल से तेरा हो गया, फिर क्या काम उसका ना कोई रुका, फूल रहा हूं मैं उसकी खिले, किसकी जो तेरा हो गया, काम उसका न कोई रुका, फूल रहा हूं मैं उसकी खिले, आए बिल्कुल दिन फेरी उसके भले। श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, काम उसका तूने बना दिया। अर्ज करे आ, एक मार भी का अपील मैं दिल दी गल बापू श्रद्धा राम जी ना कर रहे हैं, सत्संग जी थोड़े चरणा
हरमीत कौर उतनी तरफ गाली लगा रहे हैं बापू, गोस्वामी सखा है पिया, बिन तेरे न लागे जिया, गोस्वामी सखा है पिया, बिन तेरे न लागे जिया, बिन तेरे न लागे जिया, जाके ढूंढूं तुझे मैं कहां, तू बैठा छुपा है कहां, मेरे दिल का है सू ना जहां। क्या श्रद्धांजलि है मेरे बिल्कुल प्रति बापू, तू स्वामी सका है पिया, बिन तेरे न लागे जिया, बिन तेरे न लागे जिया, जाके ढूंढू तुझे मैं कहां, तू बैठा छुपा है कहां, मेरे दिल का है सू ना जहां, श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, कामुस का तूने बना दिया, श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे। और सत्संग जी हकीकत है जी, गल बयान हो रही है अल्फाजा च मेरे बापू लिखवा रहे ने, सरदारा बापू जी ने, डाली जिस पे भी तूने नजर, गया जीवन फिर उसका सवर, वाह डाली जिस अच्छा पे भी तूने नजर, गया जीवन फिर उसका सवर, गया जीवन फिर उसका सवर, अमर तेरा फसाना बापू, गाए तेरा तराना बापू, जग तेरा दीवाना बापू, अमर तेरा फसाना बापू, गाए तेरा तराना बापू, जग तेरा दीवाना बापू, श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, कामुस का तूने बना दिया, श्रद्धा राम बापू दर पे तेरे। सत्संग जी आखिरी दो लाइना सत्संग दे चरणा च बीबी हरमीत कौर तरह बुला रहे हैं, मेरे बापू ने की किया, सुख भगतों को तूने दिए, कष्ट उनके तूने हर लिए, सुख वाह भगतों को तूने दिए, कष्ट उनके तूने हर लिए, कष्ट उनके तूने हर लिए। आखिरी लाना वो पकाई नोट करना, तो अनु नजर कर रहे हैं, तूने क्या हाँ क्या नहीं है किया मेरे बापू, तूने क्या क्या नहीं है किया, अपने सेवक को सब कुछ दिया, और तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, फिर कह रहे सुख भगतों को तूने दिए, कष्ट उनके तूने हर लिए, कष्ट उनके तूने हर लिए, तूने क्या क्या नहीं है किया, ने क्या क्या नहीं है किया, अपने सेवक को सब कुछ दिया, तेरे बिल्कुल जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, सदा राम बापू दर पे तेरे, सर जिसने भी है झुका दिया, कामुस का तूने बना दिया, कामुस का तूने बना दिया, कामुस का तूने बना दिया। शुक्रिया साहब, धन्यवाद जनाब। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, सुंदर तर्ज, सुंदर थॉट, बहुत सुंदर भजन, सुंदर वर्ड्स, गॉड ब्लेस भाई, खुश रहो बहुत सुंदर। भजन सिंह जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, बाकी सब भी आज भी एकांत भैन जी शायद रह गए, एकांत हाँ जी, बस भैन कांता जी, जी तो उसके बाद फिर विश्राम दो। ठीक है। ओम बापू नंदा टुर वालिया।
सदा जय, ओम सदा। शहंशाह झंडे की सदा जय, सारी संगत को जय बाबू, बांके बिहारी लाल की जय। जय बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, चुटकी का क्या काम है, ताली का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, चुटकी का क्या काम है, ताली का क्या काम है, चुटकी का क्या काम है, ताली का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है। जिस घर में गऊ सेवा, जिस घर में गऊ सेवा, उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में है गौ सेवा उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में है गौ सेवा उनके भी बड़े भाग हैं, माखन दूध खिलाए दो मिश्री का क्या काम है, माखन दूध खिलाए दो मिश्री का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, जिस घर में है सास ससुर जी उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में है सास ससुर जी उनके भी बड़े भाग हैं, सेवा कर लो प्रेम से, सेवा कर लो प्रेम से, तीरथ का क्या काम है, सेवा कर लो प्रेम से, तीरथ क्या का तीरथ का क्या काम है, बजाओ अब मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, जिस घर में हो मात पिताजी उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर वाह में हो मात पिताजी उनके भी बड़े भाग हैं, आज्ञा मानो प्रेम से, आज्ञा मानो प्रेम से, पूजा का क्या काम है, वाह आज्ञा वाह मानो वाह वाह प्रेम से, पूजा का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, जिस घर में हो छोटी बहना उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में हो छोटी बहना उनके भी बड़े भाग हैं, अंगना में पर नहाए दो तुलसी का क्या काम है, अंगना में पर नहाए दो तुलसी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या हाँ, काम है, एक ही बड़े बजाओ सी बहनादास अंगना में हाँ पर नहाए दो, पर उनका ब्याह करो ना अंगना विच, अंगना इस घर दे में विच है ओरी छोटी करो करो बहना, जिस घर में है छोटी बहना उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में है छोटी बहना उनके भी बड़े भाग हैं, अंगना में पर नहाए दो तुलसी का क्या काम बोलते है, अंगना में पर नहाए दो तुलसी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, जिस घर में है सतगुरु सेवा उनके भी बड़े भाग हैं, जिस घर में है सतगुरु सेवा उनके भी बड़े भाग हैं, ज्ञान सुन लो प्रेम से, ज्ञान सुन लो प्रेम से, दक्षिणी दक्षिणा का क्या काम है, ज्ञान सुन लो प्रेम से, दक्षिणा का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है, बजाओ मोहन चुटकी, बजाओ मोहन चुटकी, बजाओ मोहन
मुरली चुटकी का क्या काम है, चुटकी का क्या काम है, ताली का क्या काम है, चुटकी का क्या काम है, ताली का क्या काम है, बजाओ मोहन मुरली चुटकी का क्या काम है। बोल बांके बिहारी लाल हरी की लाल की जय। जय। वाह वाह, सुन बनाया, सारे डिफरेंट भजन पहली बार सुने हैं, बहुत हाँ सुंदर। मैं भी कभी कभी सुना है, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। अंगना में बहन की शादी कर दो तो तुलसी का क्या काम है, ये था इसका मतलब। जिन्होंने घर बेटी नहीं होती ना, वो तुलसी की शादी कर देते। हाँ जी मेरी अच्छा बेटी नहीं है। मामा जी, जी, वाह जी, मामा तुलसी जी, का ब्याह कर देते। हाँ जी हाँ ओ जी, रेखा अरदास कर देना, रेखा की तबीयत ठीक नहीं ना, रेखा जी उन्हें अरदास कर देना। रेखा जुनेजा हाँ जी, हाँ जी, की गल होगी, चंगे पैसे सिखा। नहीं नहीं आज नहीं नहीं, वो उधर सीखे नहीं, थे। नहीं है अच्छा उधर जुड़े हैं, वो असि कीता सब 8वीं, थोड़ी अरदास कर देना उन्होंने। ओम बापू नंदा चौरा वालिया आपकी सदा ही जय। जय ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे जय सतगुरु, ऐसे ऐसे हैं हैं दीन दीन दयाल दयाल जी मेरे सतगुरु, जी हरदे संगतां दी प्रित पाल जी मेरे सतगुरु, हरदे संगतां करदे दी प्रेत पाल जी मेरे सतगुरु, राम नंद शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा, नंदा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा, साडे लई तां इक्को ही सहारा इयो सहारा, साढ़े लई तां इक्को इक्को ही सहारा सहारा यही एही सहारा। सहारा। करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु, ये है धर्मामय करुणामयी सरकार सरकार मेरे जी सतगुरु, मेरे सतगुरु, है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु, ये है सचमुच सचमुच कृष्ण मुरार मुरार जी मेरे सतगुरु, मेरे ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे सतगुरु, हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। सतगुरु। हम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू अरूर सिंह जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। सदा ही बापू जाए जी। नंदा जी, बापू हरनाम जी, बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू जय गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय वादा घाटा पोचक माफ करना बापू जी, कृपा करनी सब दिन हाजियां लेके रोनिया, चरणा दी प्रीति बख्शनी, घरां विच खुशियां वरताउणियां, द्रोगी काया बख्शन सब नूं बापू जी। बापू जी आप अगे अरदास बेनती कीती जांदी है कि अपना रेखा जुनेजा जी दी कुछ तबीयत नासाज है, उहनां नूं तंदरुस्त करो, अच्छे अच्छे भजन बोलण ओह आ के, अपने सेवकां दी आपे रखो, आपे नाम जपाओ, जय जयकार करे सेवक जी, तत्काल होया वो सेवका, निकटी होए दिखाओ सच्चे पातशाह, बोलण ने अंदर सब को भुल गुरु करतार दे मां बाप अनुसार आप जाने जाणो, बापू जी कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते हमारा गुण अब गुण ना बिचारो, कोई सच्चे पातशाह अंतर जामी, अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की धूरे, अंतर्यामी पुरख जामी पुरख विधाते, श्रद्धा विधाते, श्रद्धा मन मन की पूरे, की पूरे, नानक
नानक दास मुख पर दूरे। सही प्यारे मेलो जिन मेला आप जी का पवित्र नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सतगुरु वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।